पटना मजदूरों के हकूक को बहाल करो, पटना मजदूरों के हकूकों को बहाल करो, पटना मजदूरों के हकूक को बहाल करो, पटना मजदूर के हकूकों को बहाल करो, पटना मजदूरों के हकूकों को बहाल करो, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। नेशनल न्यूज देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं सलीम जौहरी। भट्टा मजदूर जो सारा दिन धूप में भट्टों पर काम करते हैं, इनकी पूरी उजरत जो इनको नहीं दी जाती। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ऐसे बहुत से भट्टा मजदूर हैं और इनके लीडर है असलम परवेज सुल्तरा साहब। करो जबरी मशक्कत खत्म करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, जबरी मशक्कत खत्म करो, मजदूरों पर रहम करो, मजदूरों पर। ओके ओके जी असलम, आप इस वक्त बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेके आए हैं, ये प्रेस क्लब के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, इसके बारे में बताइएगा। मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने जबरी मशक्कत को गैर आइनी करार दिया और तमाम मजदूरों को आजाद किया। 1992 में पार्लियामेंट ने इस पर कानून साजी की, इसके खात्मे का कानून बना, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1992। लेकिन इसके बावजूद जागीरदारों और वडेरों की औलाद जो डिप्टी कमिश्नरों और डीपीओस की शक्ल में जिली इंतजामिया में मौजूद है, उनके और भट्टा मालकान के गठजोड़ के बायस आज तक जबरी मशक्कत के खात्मे के कानून बाउंडर लेबर एक्ट 1992 पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान ऐसा महसूस करती है कि जैसे मुल्क भर की तमाम भट्टा खश फैक्ट्रियां और जागीरदारों के खेत सब बेगार कैंप में तब्दील हो चुके हैं और सरकार रियासत जो शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक की जिम्मेदार है, वो इस बारे में लोगों के बुनियादी हकूक की बहाली और इस बेगार कैंप जो पूरा मुल्क जो है उसके बट्टे और जागीरदारों के खेत उनसे मजदूरों की आजादी के लिए इकदाम करने में नाकाम हो चुके हैं। आज पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1988 में जस्टिस अफजल झूला साहब ने सो मोटो एक्शन लेकर पाकिस्तान में से जबरी मशक्कत के खात्मे के मुतल्लिक एक तारीखी फैसला दिया। आज बंदियाल साहेब मजदूर आपकी तरफ देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भट्टा मजदूर जो इस वक्त जुल्म जबर की चक्की में पिस रहे हैं उनके बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली के लिए इकदाम करें। भट्टा मजदूरों पर जुल्म की दास्तान का अंदाजा, भट्टा मजदूरों पर जुल्म जबर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022 में हकूमत पंजाब ने 102 इंडस्ट्रियों के मजदूरों के लिए उजरत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अफसोस के 101 इंडस्ट्री के मजदूरों को अगले ही महीने जुलाई में वो तनख्वाह बढ़ाकर दे दी गई। लेकिन एक साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद
भट्टा मजदूरों के लिए जो 1000 ईंट बनाने पर 1850 रुपए मुआवजा मुकर्रर किया गया था, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज भी भट्टाकश फैक्ट्रियों पर मजदूरों से 1000 कच्ची ईंट बनाने पर उनको सिर्फ 700 रुपया, बहुत जहां पर रहमदिल मालिक है वहां पर 800 रुपया अदा किया जा रहा है। ये जुल्म है। सब बोले शेम, शेम। सब बोले शेम, शेम। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करती है। हम तंबीह करना चाहते हैं सरकार और उसके जिली इंतजामिया के अहलकारों को कि वो होश के दखल ले। भट्टा मजदूर लावारिस नहीं, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी और HLCP के कारकुन इनके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको इनके बुनियादी हकूक नहीं मिलते। शुक्रिया जी। नाजरीन, भट्टा जो मेहनत करते हैं उनकी मजदूरी पूरी नहीं मिल रही। हमारे साथ इस वक्त लियाकत रंधावा साहब है, आप इनके मजदूरों के हक के बारे में इनका क्या कहेंगे? पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ह्यूमन लिबरेशन कमीशन भट्टा मजदूरों के हकूक के लिए इनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक इनके 1850 रुपए इनकी मजदूरी जो कानून बना है उस पर अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का एक एक कारकुन इनके साथ खड़ा है और हमें जिस भी जगह पे जाना पड़ा हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं। जैसा कि आप एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या अलाउ है, क्या ऑर्डर्स है, और आप इन भट्टा मजदूरों की जो इनकी डेली वेजेस की कमाई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? जी, जैसा कि हर साल गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट वेजेस एक्ट के तहत इनकी मुख्तलिफ महकमों की या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों की तनख्वाहें और रेट्स मुकर्रर करता है, लेकिन ये भट्टाकश वाहद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर करने के बावजूद इसके ठेकेदार जो हैं वो इनको मजदूरों को उनकी मजदूरी के मुताबिक रेट नहीं देते। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मुख्तलिफ औकात में एप्लीकेशन वगैरह के जरिए ये बात दोहराई है कि ना इन पर अमल कराया जाए जो आपने नोटिफिकेशन किया है, लेकिन कोई आदमी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस पर हमने बहुत सी पहले भी हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी हैं, रेट पटिशन दायर की हैं और हत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात वाजे हो चुकी है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज्यादती और ज़बरदस्ती इनसे काम लिया जाता है और इनको मजदूरी नहीं दी जाती, जिस पर ये अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं। लिहाजा मेरी भी इस्तदा है आपकी विसासत से, गवर्नमेंट से भी और अल्लाह हकाम से भी कि जो जो मजदूर हैं इनकी मजदूरी का इनको हक मिलना चाहिए। जी नाजीन, मजदूरों को फंसाया भी जाता है, इसी तरह जो ना इनकी मजदूरी पूरी नहीं दी जाती, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे इनको बाउंड किया जाता है। जबरी मशक्कत बंद करो।